हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा सा घर पे ब्लीच करना सिखाऊंगी जो नेचुरल चीज़ों से होगा। अपने फ्रिज में से जो चीज़ें मिल जाएगी आपके किचन में ही मिल जाएगी, आपको कोई मार्केट से ब्लीच खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। आपके स्किन में जलन, जैसे जो लोग ब्लीच वगैरह करते हैं उनमें थोड़ी बहुत जलन वगैरह होती है, तो वो भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये नेचुरल ब्लीच। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो इससे आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह, पिंपल्स के निशान वगैरह जो रह जाते हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन एकदम क्लियर होगी, जो डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दही लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, अच्छी नेचुरल ब्लीच का काम करता है। और एक लेंगे हम टमाटर, टमाटर का जूस निकाल लेंगे और ये है नींबू का नींबू। और लेंगे बेसन, चार चीज़ें चाहिए इसमें। तो बेसन में हमारे जो टमाटर का मैंने इस तरह से पल्प के साथ ही निकाल लिया, आप चाहो तो इसको मिक्सी में पीस के अच्छे से जूस निकाल सकते हो। इसमें मिक्स कर लेंगे दही, बेसन, टमाटर का जूस और नींबू। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता लेकिन फिर भी आप इसके दो तीन बूंदे तो ज़रूर ऐड कर लीजिए। अगर आपको सूट करता है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी, आधा चम्मच तक हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस पेस्ट को। इस तरह का ये पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा और बस इसको आप अपने फेस पे लगाना है। तो इस तरह से इसकी देख सकते हैं, इस तरह से है और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फेस पे सही से सेट नहीं होगा। तो बस इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज भी करनी है ताकि थोड़े से हमारे फेस पे मसाज भी हो जाए। आपको इसको मतलब फटाफट लगा के छोड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से आपको मसाज भी करनी है। उसके बाद इसको आपको 15-20 मिनट तक रखना है। इसमें हमने डाला है दही, जो दही में लैक्टिक एसिड होता है जो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। इसमें विटामिन और नींबू में ज़्यादा में मात्रा में विटामिन सी होता है नींबू में। तो विटामिन सी से हमारे जो स्किन में जो दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं तो वो उसको क्लियर आउट कर लेता है। और टमाटर का जूस, टमाटर का जूस में भी विटामिन सी होता है, ये सब में विटामिन सी होता है जो एक नेचुरल ब्लीच का काम करते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो बस इसको अच्छे से आपको लगाना है। और हमने लिया है बेसन, बेसन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। आप मुल्तानी मिट्टी अगर आपके घर पे ना हो तो आप बेसन ले लीजिए। आपके घर में, सबके घर में बेसन तो अवेलेबल होता है। तो आप एक बेसन और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका पेस्ट बना के भी अपने फेस पर लगा सकते हैं, एक फेस पैक की तरह काम करता है। तो बेसन, दही, टमाटर का जूस और लेमन, ये है एक नेचुरल ब्लीच। और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि और क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ब्लीचिंग के लिए। तो अभी फ़िलहाल आपको इस पैक को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने 15-20 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लिया था, तो आप क्लियर देख सकते हैं मेरी स्किन पे। स्किन एकदम साफ़ हो गई है, क्लियर हो गई है और चमक आ जाती है हमारी स्किन पे, क्योंकि ये एकदम से ये अब डेड स्किन को रिमूव कर लेता है ये ब्लीच। नींबू का जूस होने से इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, अगर आपको सूट करता तो प्लीज़ आप आधा चम्मच तो ज़रूर डालें इसमें नींबू का जूस। और आप इसको नेक पे भी लगा सकते हैं, आप इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे सन टैन की वजह से बैक वगैरह पे हो जाती है ना, ब्लैकनेस हो जाती है, तो उसको भी रिमूव करता। आप मेरे नोज़ देख सकते हैं, एकदम चमक गया है और स्किन एकदम साफ़ हो जाती है, बस ये है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप इसको एक महीना रेगुलर ट्राई करोगे ना तो आपके फेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने से भी फ़ायदा होता है, बट आपको इसको रेगुलर भी रखना है। तो बस